गाइस वैसे तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करूं, कुछ तो करना ही है लाइफ में। बट वाइफ को एडमिट कराना बहुत ही कंपलसरी है, अगर नहीं कराया तो दो चार दिन में मेरे साथ, मतलब उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, डॉक्टर ने साफ बोल दिया है। और घर पहुंचा वैसे ही पता लगा कि बच्ची भी बहुत बीमार है, जो भी 17 दिन कंप्लीट भी नहीं कर पाई है और आज उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो वाइफ को भी एडमिट कराना है और बच्ची को भी दिखाना है। मैं बोल नहीं सकता हूँ मैं अभी इस टाइम किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं है, फटाफट चलते हैं, बच्ची को दिखाते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं और बच्ची की कराने की आवाज़ सुन ही सकते हैं। फिलहाल हमने डॉक्टर को दिखा दिया और आप जानते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट कितने महंगे होते हैं और बच्चों की दवाइयाँ कितनी महंगी होती हैं। और देखिए कितनी सारी भीड़ है, काफ़ी देर से वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया। रात के 2 बज रहे हैं, मैं और जीजा जी मच्छर मार रहे हैं। देखो आया आया है ये देखो। और लल्ली बिल्कुल भी नहीं सो रही है, बहुत परेशान कर रही है। पूजा भी बुखार में है, दीदी भी बेचारी अभी सोई है, छोटू इधर सो रहा है, सरियान से इधर मेरे पास सो रहा है और हम लोग मच्छर मार रहे हैं इतनी रात को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम बैठे हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में। अभी अब इनका जो है टैपिंग होने वाला है, टैपिंग से मतलब जो लंग्स में पानी भरा हुआ है वो निकाला जाएगा। अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर बैठा हूँ मैं, डॉक्टर लोगों को दिखा दिया है, मेडिसिन सारी ले आए हैं, वेट कर रहे हैं। और छुटकी अभी दीदी के पास मैं छोड़ के आया हूँ, काफ़ी मिस कर रहा हूँ, वो भी बीमार हो गई थी। उसको भी रात को मैं डॉक्टर को लेके गया था कल, उसको दिखा के लेके आया, डॉक्टर कह रहा है कि उसको सर्दी नहीं है, जबकि वो घर घर की आवाज़ कर रही है, अजीब ही डॉक्टर है। जबकि 1000 रुपये लगा के आया हूँ मैं, वहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी आराम नहीं है। अब मैं दूसरे डॉक्टर को उसको दिखाऊँगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर बैठे हैं, वो बोल रहे थे कि आप वहीं बैठिए और टैपिंग करके जो लंग्स का पानी है वो निकाला जाएगा, उसके बाद लैब में जाँच के लिए भेजा जाएगा। देखते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड रूम, फाइल हमने वहाँ काउंटर पर दे दी है, एंट्री हो चुकी है, डॉक्टर लोगों का वेट कर रहा हूँ। और ये देखिए, डर तो नहीं रहे हो ना, सब सही हो जाएगा है। अभी डॉक्टर ने क्या कह दिया था हमसे, वो पगले ने, इनको एक डॉक्टर ने डरा दिया, बोला ये नहीं बच पाएगी ऐसा वैसा करके। हम लोगों ने तो क्या है, दिमाग खराब हो गया वो। हाँ सही कहा है, वो बंसल के जैसा था, वो एकदम चूतिया एक नंबर का, कुछ आता जाता नहीं है उसको। ऐसी जब ये पिछली बार बीमार हुई थी तो हमने शारदा में भर्ती किया था, वहाँ पर एक डॉक्टर पंकज बंसल थे, उन्होंने भी ऐसा कर दिया कि इसका बच्चा मतलब ऐसा हो जाएगा और इसका लीवर ख़राब हो चुका है, ये नहीं बचेगी। मतलब इतना ज़्यादा डरा दिया, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, और उसे एक दिन भी बुखार कंट्रोल में नहीं हुआ। जबकि एक डॉक्टर है, उनका नाम क्या है डॉक्टर सर का, जिन्होंने हमारा केस हैंडल किया था, डॉक्टर ए के अग्रवाल, इतना टॉप का फिजिशियन है भाई साहब। पहले दिन ही उन्होंने कह दिया कि अच्छा डॉक्टर लोगों की टीम आ चुकी है, चलिए ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। जब तक मैं पूरी टीम को रिकॉर्ड कर पाता तब तक पूरी टीम आगे निकल गई। चलिए ठीक है हम कंटिन्यू बात करते हैं। फिर अग्रवाल सर ने इसका ट्रीटमेंट लिया और फर्स्ट ही बता दिया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। फटाफट एक्सरे कराया और पकड़ी गई, ट्यूबरक्लोसिस आया। मतलब फर्स्ट चीज़ का भी नहीं, शुरुआती लक्षण थे केवल, और उसी में बैंड बजी हुई थी। तो बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया लेकिन उनकी लापरवाही ने सारा गड़बड़ कर दिया, अब लंग्स में पानी बन गया है। अब क्यों बुलाया, फाइल मांगी थी। अभी शायद जल्दी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, और ये हमारा सामान रखा हुआ है इधर, देखते हैं आगे क्या होता है। ये काउंटर की पर्ची काटते हैं। इधर है अल्ट्रासाउंड रूम, उधर पूजा को बुलाया है, वो है शायद इधर। तो केवल इनका अल्ट्रासाउंड किया लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं लंच के बाद सारा प्रोसीजर करेंगे। अभी इंतजार करना पड़ेगा, 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा ना, कितनी देर में पता नहीं। तो अब लंच के बाद हमारा प्रोसीजर होगा, हम आ गए हैं इधर पार्क में धूप में बैठने के लिए। बहुत सारे मरीज लोग और स्टाफ लोग इधर ही धूप सेक रहे हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, हल्की हल्की धूप भी चल रही है। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, फिलहाल इनको कुछ खिला पिला देते हैं, मन तो नहीं कर रहा है। इनको खांसी भी स्टार्ट हो गई और शिवरिंग स्टार्ट हो गई है यार,
मैं तो बहुत परेशान हो गया। हम लोग कैंटीन में आ गए हैं, ऑर्डर दे दिया है। फिलहाल अभी हम लोगों को 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए लंच टाइम है ना, तो भाई साहब भीड़ ही भीड़ लगी है। जबरदस्त ऑर्डर दे दिया है, 10 मिनट में आने के लिए बोला है। क्या करेंगे, इधर भी खड़े होके सारी सीटें फुल हैं, वहीं बैठते हैं। पूजा के पास में आ जाएंगे अभी 10 मिनट बाद। चुपचाप चलते हैं। किसी से बात कर रही है, पकड़ी गई आज फोन पे बात करते हुए। किससे बात कर रही है? अपने बॉयफ्रेंड से। अरे वाह, तेरा तो मैं आप कह रहे हैं ना, मैं किससे बात कर रही है? मैंने कहा अपने बॉयफ्रेंड, यानी कि सासू मासी से बात हो रही है। 15 मिनट हो चुके हैं, आ गया हूँ मैं अपना ऑर्डर लेने, देखता हूँ मिल जाए तो। भैया हो गया अपना ऑर्डर? हो गया जी, पैक करना है। थैंक यू भाई, अपना ऑर्डर फुल रेडी हो गया वो। ठीक, लो रेडी। हमने भी नाश्ता कर लिया था और डॉक्टर ने हमें 3 बजे ओटी में बुला लिया था, लेकिन डॉक्टर ये वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैंने इस वीडियो को बना लिया, लेकिन बाकी का मैं देख लूंगा। ठीक हो तुम? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, एकदम फर्स्ट क्लास महसूस हो रहा है? फेफड़ों से जो पानी निकला था उसका ये कल्चर भेज दिए गए, 6 कल्चर भेजे हैं, और बाकी जो सीबी नॉट था वो कल भेजा जाएगा। बाकी बिलिंग करा के लेके आ गए हैं, सैंपल वार्ड में दे दिए हैं, सैंपल वार्ड में दिखाता हूँ। वहाँ इंतजार कर रही है पूजा, फटाफट एक काम कराता हूँ, डिस्चार्ज भी अभी हो जाएंगे, कल दोबारा फिर आना है डॉक्टर को दिखाएंगे। तब तक मेडिसिन ले लेते हैं, हल्का पेन भी स्टार्ट हो गया है उसको, और यहाँ से फिर चले जाएंगे रूम पे। तो बेहतर रहेगा कि फटाफट मेडिसिन ले लेते हैं और जितने भी सैंपल हैं वो भेज देते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो पता लगेगा कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है और वो पानी क्यों बना है। पूजा वो बैठी है वहाँ पर, अपना कल्चर यहाँ पर रखें। भाई लोगों, फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। दवाई ले ली है, पूजा को दिखा दिया है, कल्चर दे दिया है, यानी कि जो पस निकला था, पानी निकला था, दे दिया है। अब चलिए घर जाके बात करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये सही भी नहीं है। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के घर पे और इसको बहुत पेन हो रहा है। अब ये खाएगी मेडिसिन और करेगी एक्सरसाइज करने के लिए, इसको एक बोतिया है। और इन लोगों ने खाई मिर्च टिक्की एंड गोलगप्पे। गोलगप्पे है और बर्गर कैसा लगा तेरे को खाने में? बर्गर अच्छा अच्छा था, तूने खाया तो ही नहीं खाया, अच्छा कैसे लगा? खाली बंद खाता, सब कुछ निकाल देता है। और दीदी कर रही है पूनम दीदी से बात, मम्मी का भी फोन आ गया था। फिलहाल चलो मैं इनका ये एक्सरसाइज वगैरह करवाता हूँ, पता लगेगा कि आज किसके लंग्स कितने मजबूत है। चलो खींचो खींचो खींचो, चलो इसकी बारी, चल खींच। मैं इससे एक ही बॉल उठती है, चीटिंग कर रहा। हाँ ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, हाँ चीटिंग नहीं करना है, चल। तो पूरी तीनों उठा देते हैं, मैं भी तीनों उठा देता हूँ। दीदी से ब्लू वाली जो है पूरी उठ जाती है, लेकिन येलो आधी जाती है। तो देखिए गाइस, होप करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बहुत ही सकुशल होगी, मंगलमय होगी, सब कुछ ठीक ही रहे तो बढ़िया है। फिलहाल मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ, सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। भाई पपी भी हॉस्पिटल में है, बच्ची ठीक है, मम्मी के पास छोड़ दिया है। वाइप को भी घर में ले जाके छोड़ दिया था, एक दो दिन रखा था, लेकिन फिर हॉस्पिटल लाना पड़ा। मैं हॉस्पिटल में उनको दिखा के और घर पहुंचा के फिर मैं अपने ऑफिस नैनीताल आ गया हूँ। नौकरी करना भी जरूरी है, भले ही मैं सभी लोगों को मिस कर रहा हूँ, मम्मी को, छोटी सी बच्ची को, वाइफ को, पर नौकरी करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो इलाज कहाँ से होगा, क्योंकि इलाज कराना भी जरूरी है ना। घर में है, सही सलामत है, तो फोन पे बात हो जाती है सबसे, सब कुछ सही रहता है, लेकिन पैसा ही नहीं होगा, इलाज नहीं कर पाऊंगा तो शायद बहुत से लोग बहुत दूर जा सकते हैं।
सही है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है यार, जैसे तैसे एडजस्ट हो जाता है। कोशिश करते हैं कि दुआ करके ऊपर वाले से कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या स्थिति इस टाइम है मेरी और किस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ सिर्फ ये मैं ही जान सकता हूँ। एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, पर अपनी तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखने की आदत है, क्योंकि देखिए जिंदगी हर तरीके से जी जा सकती है। अगर मैं ही अपना मोरल डाउन कर लेगा तो जो लोग बीमार हैं उनका क्या होगा, छोटी सी बच्ची है और वाइफ है, परिवार है, सभी लोगों को देखना है, केयर करनी है, आगे ले जाना है, सब कुछ सही रहे वही बढ़िया है। तो इतनी जल्दी टूटना भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रांग बने रहना ही मेरे लिए बेहतर है और मेरे परिवार के लिए। फिलहाल कोशिश करता हूँ कि ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। बस आप लोगों से यही दुआ करता हूँ कि दुआ कीजिए, कि आपसे प्रेयर करता हूँ कि बस प्लीज़ दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे और जल्दी सकुशल हो जाए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।